शॉपिंग के लिए तो फिर से आना संभल के। हाँ अभी तो बहुत कुछ खरीदना बाकी है। एक बार में कहाँ समझ में आता है क्या ले क्या ना ले। बिल्कुल सही कहा तुमने। ऊपर से तू लिस्ट भूल गई है। क्या करूँ, तुम इतनी हड़बड़ी मचाती हो कि सब भूल जाती हूँ मैं। कितनी बार कहा था लिस्ट रख ले। अब जाने दो दीदी। अरे बाप, इतना थक गए हैं। पैदल कितना चलना पड़ा है ना, उसी के लिए डांट खानी पड़ेगी। अरे हमने अपने लिए की क्या, सब तो औरों के लिए की। पर मैंने तो अपने लिए साड़ी खरीदी। तो क्या हुआ दीदी, बस उसी के लिए डांट खाएंगे और क्या। क्या बात करती है। आजा बैठ जा। वैसे भी उन्हें डांटने के लिए बस बहाना चाहिए, उसके लिए शॉपिंग की जरूरत नहीं। क्या हुआ दीदी? वो देखो कालिदा है। कौन कालिदा? कालिदा, कालिदा, सुनिए कालिदा, सुनिए कालिदा, मेरी बात सुनिए। ऑटो, ऑटो, कालिदा रुकिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। कालिदा, कालिदा, सुनिए, वो भूत नहीं था, हार मास का जीता जागता आदमी था वो। हार मास का जीता जागता आदमी है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही देखने लगी। अपने की बात पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बात यकीन करने लायक नहीं है। तुम मत मानो, लेकिन वो आदमी काली प्रसाद ही था। 12:30 बज गए, सो जाओ। नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि वो आदमी काली प्रसाद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हादसे में मर गया था। पुलिस ने कहा तो सबने मान लिया कि मर गया। मैं भी आज तक यही मानती रही। उस दिन जया ने जब कहा कि उसने काली प्रसाद को देखा है तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैंने देखा है तो ये हमारा बेडरूम है, कोई थाना नहीं है जिसमें इतने सालों पुरानी फाइल खोलकर बैठ गई हो तुम। ये वक्त है कोई, सो जाओ।